25 जनवरी से 18 दिन तक चली इस ऐतिहासिक क्रांति ने मिस्र की जनता के मन में बदलाव का भरोसा जगाया था, लेकिन क्रांति के 3 साल बाद भी तस्वीर नहीं बदली। मुल्क को साल 2012 में राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुर्सी मिले, लेकिन नए संविधान में अपनी जिद थोपने की वजह से उन्हें 1 साल के भीतर सत्ता छोड़नी पड़ी। फिलहाल मिस्र में सेना द्वारा नियंत्रित अंतरिम सरकार सत्ता चला रही है, जिसने कुछ बदलावों के साथ संविधान तैयार किया है। अब उम्मीद है कि जल्द संविधान के तहत मिस्र में संसदीय चुनाव होंगे और फिर यहाँ की जनता को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल पाएगी। लेकिन मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी की तरफ से बगावत के सुर भी बुलंद हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है और मिस्र में इस पार्टी के समर्थकों की बड़ी संख्या है। ऐसे में जानकारों को डर इस बात का है कि मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी मिस्र के भविष्य के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बमबारी की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, बमबारी के बाद का नजारा भी देखा होगा, लेकिन हम आपको लाइव बमबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें सीरिया से ली गई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ड्रोन से बमबारी की गई और ये बम नीचे गिरकर सीधा एक मस्जिद पर गिरा और एक जोरदार धमाका हो गया। दूसरी तस्वीर आप बारूद से के ढेर से हुए इस मस्जिद की देखिए, जिसके मलबे में एक छोटा बच्चा फंस गया। उसे ऊपर से देखा भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब लोगों को उसके रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने मलबे को खंगालना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद जाकर इस छोटे बच्चे को यहां से निकाला जा सका। फिर देखिए कि बारूद के इस ढेर से कैसे एक मलबे में एक छोटा बच्चा फंस गया। आप देख सकते हैं इन दो तस्वीरों में, एक तस्वीर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ड्रोन हमला मस्जिद पर हुआ और दूसरी तस्वीर कैसे एक छोटा सा बच्चा फंस गया मलबे के ढेर में। जिनेवा में सीरिया संकट को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। सीरियाई विद्रोही और सरकार अपने अपने पक्ष पर अड़ रहे हैं। वहीं सीरिया सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि ने शनिवार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक ही कमरे में बैठक की। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर ब्रहमी ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की, जो करीब आधे घंटे तक चली, लेकिन बैठक का नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं सीरिया में विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच लड़ाई जारी है। इस वीडियो में विद्रोहियों ने अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हवाई हमले का दावा किया है। सीरिया में 3 साल से जारी संघर्ष में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि उनका मुल्क दबाव में आकर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न कोई दबाव और न धमकी हमारे लोगों को अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकती है।
अफगानिस्तान सरकार ने देश में अमेरिकी सैनिकों पर आधारित विज्ञापनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने उन सभी विज्ञापनों को बैन कर दिया है जिसमें अफगानिस्तान में 2014 के बाद भी अमेरिकी सैनिकों को तैनात रखने की वकालत की गई है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आ सकती है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दोस्ती का न्योता भेजने के बाद अब शांति बहाली के युद्ध अभ्यास बंद करने की नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजदूत सिनसन हो ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से साझा युद्ध अभ्यास बंद करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर युद्ध अभ्यास बंद नहीं होगा तो इलाके में अशांति और असुरक्षा के लिए वही जिम्मेदार होंगे। I wish all of you have a good understanding of the important proposals made. The World Tonight में न्यूज और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है TVS स्पोर्ट। सियासी हलचल की हर खबर, सामाजिक बदलाव की बात, हर खबर पर पहली नजर, देश भूमि के सभी रंग, अपना प्रदेश उत्तराखंड। अब नए समय पर सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला लखनऊ से लाल किला। यूके डिसाइड 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ही ना रहेगी हमारी, विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं। जब सरोकार से दूर हो सरकार, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फ्रांस की राजनीति के बजाय राष्ट्रपति के घर में ही महाभारत मची हुई है। अभिनेत्री से अफेयर और फिर अपनी पार्टनर की खराब तबीयत से जूझ रहे राष्ट्रपति के वालरी से अलग होने की भी खबरें आने लगी हैं। लेकिन इस बीच उनका वो हेलमेट फ्रांस में काफी पॉपुलर हो रहा है जिसे पहनकर वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली से मिलने गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अभिनेत्री जूली गिलर्ड से अपने गुपचुप अफेयर के चलते पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे।
अब कहा यह जा रहा है कि वो अपने हम सफर वाली त्रियलवेलीर से भी अलग हो सकते हैं। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओलांद जल्द ही इस बात का ऐलान भी कर देंगे। हालांकि ओलांद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 11 फरवरी से पहले वो फ्रांस की प्रथम महिला कौन होगी ये बात क्लियर कर देंगे, लेकिन उनका इशारा इस तरफ था, ये खबर किसी को नहीं थी। उधर मीडिया में खबरें ये भी आ रही हैं कि वालेरी यूं ही अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी। पहले क्लोजर मैगजीन की इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस में करोड़ों का सामान तोड़ दिया था और फिर वालेरी ने खुद भी नींद की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बताया ये भी जा रहा है कि वालेरी सेपरेशन नहीं चाहती और बेवफाई के बाद भी वो ओलांद को छोड़ने से कतरा रही हैं। लेकिन इन सबसे अलग इन दिनों फ्रांस में राष्ट्रपति ओलांद का वो हेलमेट भी काफी पॉपुलर हो चुका है जो उन्होंने जूली गेट से मिलने जाते वक्त पहना था। इस हेलमेट और ओलांद के अफेयर को पहले ही फ्रांस के एड कैंपेन्स में खूब देखा जा रहा है और अब तो वो हेलमेट भी सेलिब्रिटी बन चुका है। motoglows.com नाम की कंपनी ने एक थैंकिंग लेटर जारी करके ओलांद को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनका हेलमेट चूज किया। अब इस हेलमेट का नाम भी डेक्स्टर प्रेसिडेंट मॉडल रख दिया गया है और इसकी सेल भी फ्रांस में काफी बढ़ गई है, जबकि इसके लिए कंपनी को महज कुछ हजार यूरो का थैंक्स नोट भर पब्लिश करना पड़ा। इसे कहते हैं हींग लगे न फिटकिरी रंग आए चोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का इश्क परवान चढ़ा एक स्कूटर पर और उनकी आशिकी ने स्कूटर राइडिंग और द फेयर हेलमेट को खासा लोकप्रिय कर दिया। उनकी आशिकी आजकल फ्रांस के एड कैंप्स में काम आ रही है, मोटरबाइक कंपनी को फायदा दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ओलांद के इश्क की पहली झलक। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और जब सामने आ जाए तो इनकार कितना भी हो कौन किसकी सुनता है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद पर भी इश्क का ऐसा ही जुनून सवार है जो उन्हें रातों में चैन से सोने नहीं देता और वो अपनी आशिकी यानी फ्रांसीसी अभिनेत्री और प्रोड्यूसर जूली गेट से मिलने स्कूटर पर ही निकल पड़ते हैं। ओलांद के इस इश्किया मिजाज का खुलासा किया फ्रांसीसी मैगजीन क्लोजर ने। क्लोजर ने 59 साल के राष्ट्रपति और 41 साल की जूली के बीच सो कॉल्ड अफेयर को लेकर 7 पेज की रिपोर्ट प्रकाशित की। सबूत के तौर पर मैगजीन ने इस बाबत कुछ तस्वीरें भी छापी। पत्रिका ने दावा किया कि 30 दिसंबर की सर्द रात को जूली के पीछे पीछे राष्ट्रपति ओलांद भी स्कूटर पर ही उनके घर पहुंच गए। स्कूटर पर दो लोग सवार थे और पत्रिका ने राज खोला कि इनमें से एक ओलांद ही थे। गेट के वकील की रिक्वेस्ट पर टैबलॉइड से स्टोरी का वेबसाइट वर्जन तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन पत्रिका के कवर पर फ्रेंच राष्ट्रपति के इश्क के चर्चे छपे रहे। खबर है कि इस कपल की आशिकी पहले ही इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही थी, हालांकि अफवाहों को लेकर गेट ने शिकायत जरूर दर्ज कराई थी। फ्रांसवा ओलांद की माशूका जूली गेट 2003 में स्क्रीन राइटर सेंटियागो अमिगोरेना से शादी रचा चुकी हैं, लेकिन दो बच्चों के बाद इन दोनों ने तलाक ले लिया। गेट लेफ्ट विंग की एक्टिविस्ट भी हैं और 2012 के चुनाव में ओलांद के कैंपेन में भी देखी जा चुकी हैं। समलैंगिक शादियों के पक्षधर गेट ने क्लोजर की रिपोर्ट पर ये जरूर कहा कि ये निजता का उल्लंघन है, लेकिन रिपोर्ट से इनकार नहीं किया। सच कुछ भी हो, लेकिन फ्रांस की गलियों में ओलांद और जूली के चर्चे जमकर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो बिना किसी आस पड़ोस के एक बर्फीली दुनिया में अकेली रहती है। वो चाहती है कि कोई उनके साथ आकर रहे, लेकिन ये जिंदा रहना और दिन गुजारना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। साइबेरिया दुनिया की सबसे ठंडी जगह, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, यहां तक कि मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत देखी जा सकती है। ना तो पानी का नामो निशान है ना ही आग का, लेकिन यहाँ भी कोई रहता है, वो भी तो 26 साल से अकेले तन्हाई में।
इनका नाम अगाफिया लिकोवा है। ये जहाँ रहती हैं, वो जगह नजदीकी बस्ती से भी 240 किलोमीटर दूर है और अबाकान पर्वत श्रृंखला पर 500 फीट की ऊंचाई पर पड़ती है। 1943 में जन्मी लिकोवा अपने पिता की चौथी संतान थी, लेकिन अब वो परिवार में अकेली बची हैं। लिकोवा ने यहाँ से बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। बाहरी कहानियाँ या तो उनके पिता सुनाया करते थे या फिर उन्होंने कभी बाइबल में पढ़ी थी। 1978 में एक जियोलॉजिस्ट ने इस परिवार को खोज निकाला और तब लिकोवा रूस में नेशनल फिनोमिना बन गई। रूस की सरकार ने उनके लिए एक महीने के रशियन टूर की भी योजना बनाई, जहां लिकोवा ने जिंदगी में पहली दफा प्लेन्स, घोड़े, कार और पैसे देखे। लेकिन लौटने के बाद लिकोवा ने टैगा की अपनी जिंदगी को शहरों से कहीं बेहतर बताया, क्योंकि शहर की हवा में वो बीमार हो गई और बिजी रोड से उन्हें डर लगता है। लिकोवा ने कभी टैगा से बाहर के टूर पर शादी भी की थी, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं बताती हैं। लिकोवा के इस तन्हा सफर में उनका साथ देने के लिए किसी वक्त एक पड़ोसी भी आया, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक उनका साथ न दे पाया। आखिरकार 70 साल की हो चुकी लिकोवा अब भी इस बर्फीले रेगिस्तान में अकेली ही रह रही हैं। बर्फ की दुनिया में उनका सरवाइव करना भी किसी अजूबे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बोलिविया में बाढ़ और लगातार बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण सेंटा क्रूज को कोचाबंबा से जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार बाढ़ से करीब 18,600 परिवार प्रभावित हुए हैं। कोचाबंबा, सेंटा क्रूज और बेरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ से अब तक करीब 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। चिली के प्रशांत महासागर के तटीय शहर विना डेल मार में आग लगने से 15 घर जलकर खाक हो गए। यह आग आसपास के जंगलों में भी फैल गई, जिस कारण जंगल का करीब 2.5 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आग कितनी भयानक है। पानी की कमी होने के कारण आग को काबू करने में खासा ही मशक्कत करनी पड़ी और 3 घंटे के बाद ही कुछ हिस्सों में आग पर काबू पाया जा सका। चिली खिलाड़ी लीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में लीना ने डोमेनिका चिबुलकुआ को हराकर अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। पिछले साल रनर अप रही लीना ने चिबुलकुआ को सीधे सेटों में 7-6, 6-0 से मार दी। वैसे लीना थर्ड टाइम लकी कही जा सकती है। ये उनका तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल था। उससे पहले साल 2011 में किम क्लाइटर्स ने उन्हें हराया था और 2013 में उन्हें विक्टोरिया अजारेंका के हाथों हार मिली थी। And as always, this is wonderful to see. On the mark, this was the excitement there. So she's a two-time Grand Slam champion. Has there been a more popular winner? Lina. डेनमार्क के कोपेनहेगन में विंटर स्विमर्स के लिए खास पार्टी का आयोजन किया गया। करीब 150 स्विमर्स ने इस मौके पर ठंडे पानी में छलांग लगाई। डेनमार्क में यह साल ग्रीन ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके स्लोगन है शेयरिंग कोपेनहेगन। Have water so clean that you can bathe all year round. Usually I go twice a week, and I think it's great to go here and get a break from the everyday busy life. Have water so clean. और अब आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का बच्चा जो स्केटिंग के हुनर को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोन कैली स्केटिंग के दौरान बैलेंस बनाने में माहिर हो चुका है। परिवार के मुताबिक स्टोन जब 6 महीने का था, तभी से उसे स्केटिंग में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। स्टोन कैली सिर्फ 2 साल का है। ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का बच्चा जो स्केटिंग के हुनर को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। Thank you.
स्टोन जब 6 महीने का था तभी से उसने स्केटिंग में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी और आज स्टोन ऑस्ट्रेलिया का तो 2 साल का बच्चा है जो तो स्केटिंग के हुनर से सबको हैरान कर रहा है। इंटरनेशनल न्यूज और भी यहां बने रहिए जल लौटेंगे। अल्मोड़ा जागेश्वर सड़क मार्ग पर शहर के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर प्राकैतिहासिक काल के साक्ष्य के रूप में मौजूद है लखू उडियार। लखू का मतलब लाख होता है, वही उडियार का अर्थ होता है गुफा। यहाँ लाखों की संख्या में छोटी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं। माना जाता है कि 5-6 हजार साल पहले ये गुफाएं मानव जाति के लिए घर हुआ करती थीं। इतिहासकार इन गुफाओं को इस इलाके की प्राचीनतम गुफा मानते हैं। गुफा की छत वाली चट्टान आगे की ओर निकली हुई है। ऐसा लगता है कि फर्श का कुछ हिस्सा कालांतर में टूट गया है। गुफा के भीतरी दीवारों पर कई तरह के चित्र मौजूद हैं। ज्यादातर चित्र गहरे गेरुवे रंग में हैं। वहीं काले और सफेद रंग से बनाए गए चित्र भी यहाँ देखे जा सकते हैं। ज्यादातर चित्र एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लोगों के हैं। इसके अलावा तरंगों की तस्वीरें भी यहाँ बनाई गई हैं। चित्रों में कहीं कहीं पक्षियों और पेड़ भी नजर आते हैं। इन चित्रों के आधार पर इतिहासकार उस काल में मानव जाति की गतिविधियों और मानसिकता के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। 80 के दशक में ये गुफाएं पुरातत्व विभाग की नजर में आई थीं। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ लोग इन गुफाओं का इस्तेमाल सामान रखने के लिए करने लगे थे, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को काफी नुकसान भी पहुंचा। ये गुफाएं मानव इतिहास का आईना है। इन गुफाओं में मौजूद शिलालेख और चित्रों को इतिहासकार अभी भी समझने में लगे हुए हैं। इंग्लैंड में एक तरबूज में ब्लास्ट को बड़ी ही खूबसूरती से स्लो मोशन में फिल्माया गया। इसे नाम दिया गया वाटर मिलन स्टंट। तरबूज में ब्लास्ट को बड़ी ही खूबसूरती से स्लो मोशन में फिल्माया गया है। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसे नाम दिया गया है वाटर मिलन स्टंट। लॉस एंजलिस में म्यूजिक एयर कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यहां 71 साल की कैरोल किंग को 2014 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। You make me feel, you make me feel.
आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग, देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक हैं क्विकनिक तंबाकू चबाने से आजादी, KEI वायर्स एंड केबल्स, महिंद्रा सेंट्यूरो इट्स ग्रेट टू बी मी और इओन इलेक्ट्रिक। गणतंत्र दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह राजपथ पर आयोजित होगा, जहां सांस्कृतिक धरोहर के साथ हिंदुस्तान की सैन्य ताकत की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर मुख्य अतिथि जापान के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। शिंजो आबे के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया है। शनिवार को उन्होंने मनमोहन सिंह से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। यूपी और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की पार्किंग आज 2 बजे तक बंद रहेगी, जबकि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 4 मेट्रो स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और रेस कोर्स बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, साथ ही कहा कि नेता जनता से झूठे वादे न करें। केंद्र सरकार ने 127 पद्म अवार्ड का ऐलान कर दिया है। 2 लोगों को पद्म विभूषण, 24 को पद्म भूषण, जबकि 101 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। युवराज विद्या बालन को पद्मश्री तो रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। सीरिया में मलबे के ढेर में दबे बच्चे को लोगों ने जिंदा निकाला है। जो बमबारी के बाद तबाह हुए इमारत के मलबे में दब गया था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने हाथ से मिट्टी को हटाकर उसे रेस्क्यू किया। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में थोड़ा बदलाव किया गया है। जिन मेट्रो स्टेशन में ज्यादा भीड़ हो सकती है उन्हें कुछ समय के लिए बंद किया गया है। हुडा सिटी सेंटर से जहांगीरपुरी जाने वाली मेट्रो में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। वहीं पटेल चौक और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन भी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक